बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप मेरे पास ये लेसों का जो ढेर देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेस लगाने के मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ अंदाज के साथ। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि जो हमारी सेंटर लेस है उसको मैं सिंगल लेस बना दूंगी, और जो सिंगल लेस है उसे मैं सेंटर लेस बना दूंगी। किस तरह करूंगी, सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। लेस लगाने के तरीके बताऊंगी, बगैर पलटे के, बगैर फिनिशिंग पट्टी के हम लेस किस तरह लगा सकते हैं। ये है मेरे पास काफी सारी लेसेस, जिसमें चौड़ी वाली लेस भी है, बारीक वाली लेसेस भी है, और इस तरह ये कढ़ाई वाली लेस भी है। सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, जो बुटीक्स पे होता है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स में किस तरह लेसेस लगती हैं। ज्यादा वहां पर पट्टियां नहीं लगाई जाती, कपड़े के अंदर ही वो फॉल निकालते हैं जिसे हम पलटा कहते हैं, उसी के अंदर लेस को ट्रांसफर करते हैं। किस तरह करते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे पास काफी ज्यादा डिजाइन की लेसेस मौजूद है, जिसमें ये सेंटर लेस भी है जिसे हम ज्वाइंट लेस कहते हैं, जो हमारे पैनल्स में लगती है, और ये इस तरह की भी लेसेस है मेरे पास, कढ़ाई वाली लेसेस भी है। ये सारी लेसेस लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है और सीखना है कि पैनल्स में अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैनल्स कट नहीं हो, यानी कि आप पैनल को कट करना नहीं चाहते बट उसके अंदर लेस भी भरना चाहते हैं, तो वो भी शेयर करूंगी कि किस तरह हम गुम सिलाई के साथ अपनी लेसेस को सेट करेंगे। तो पहले लगाएंगे हम चौड़ी वाली लेस। चौड़ी वाली लेस हम लगाएंगे बगैर पलटे के, हमने अपने कपड़े में से ही पलटा निकालना है। तो किस तरह लगाएंगे, ये है मेरे पास सीधा साइड और ये है मेरे पास उल्टा साइड। उल्टे वाले साइड को हमने इस तरह इसके ऊपर रखना है। आपकी स्लीव्स हो, आपका दामन हो, या आपका ट्राउजर का बॉटम हो, आपने तकरीबन 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपकी आस्तीने हैं तो आपने आस्तीन में बड़ा हुआ कपड़ा निकालना है और इसको इस तरह इस लेस के ऊपर फोल्ड करना है। ये लगा रहे हैं हम बगैर पलटे की लेस। अब इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और हमारी लेस जो है बाहर की साइड पर आ जाएगी। अब इसी कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा पलटा भी हो जाएगा और हमारी लेस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये भी कवर हो जाएगा। तो ये हो गई पहली लेस। अब लगाऊंगी आपके साथ दूसरी वाली लेस। अब ये है मेरे पास गोल्डन कलर की लेस। ये लेस ज्यादातर हमारी ऊपर फिनिशिंग पे लगती है, जिस तरह हम कोई भी गला बनाते हैं तो ये ऊपर की साइड पर लेस लगती है, बट इस लेस को मैं कर दूंगी पाइपिंग। हमने बनानी है इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग किस तरह बनाएंगे, हमने ये रखनी है अपनी लेस, अगेन वही कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करना है। अब आपकी चॉइस है कि आपने ज्यादा फोल्ड देना है या कम फोल्ड देना है, यानी कि ज्यादा चौड़ा पलटा बनाना है या कम चौड़ा पलटा बनाना है। तो मैं इसमें सिर्फ 1 इंच का पलटा बनाऊंगी। तो ये है इसका सीधा साइड और ये है इसका उल्टा साइड। दोनों साइड से ये बिल्कुल नीट है और ये हमारा आ गया पलटा। अब ये लेस हमारी बन गई है पाइपिंग। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसके ऊपर पाइपिंग की है। तो ये हो गई कंप्लीट। अब लगाते हैं दूसरी वाली लेस। अब ये है हमारे पास सिंगल लेस, यानी कि किनारे वाली लेस। अब इसको हमने बनाना है सेंटर लेस। तो हम इसको किस तरह सेंटर लेस बनाएंगे, अगर हमने अपने पैनल में लगाना है या हमने अपने स्लीव्स में इसको लगाना है, तो हम इसको रखेंगे इस तरह सीधा। इस लेस को हमने रखना है सीधा और इसके ऊपर एक स्टिच करनी है। अब इस कपड़े को इस तरह पलटेंगे और इसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगा देंगे। Thank you.
सिंगल लेस को मैंने सेंटर लेस बना दिया है। अब इसके ऊपर चाहें तो आप स्टिच कर दें या तो आप प्रेस कर दें, ये नीट हो जाएगी। ये सेंटर लेस मैंने जो लगाई है इसके नीचे कपड़ा शो हो रहा है। एक अब मैं आपको जो नेक्स्ट दिखाऊंगी उसके नीचे कपड़ा शो नहीं होगा। ये तरीका है जो पैनल्स में लगती है, जो हमारे सामने के पैनल्स होती है उसके नीचे हमें कपड़ा देना होता है। तो हम इस तरह लगाएंगे कि हमारा नीचे कपड़ा भी शो होगा और ऊपर हमारी लेस भी आ जाएगी। ये है मेरे पास चौड़ी वाली लेस, इसको मैं ऊपर से पेस्ट करूंगी और इसके नीचे से मैंने कपड़ा हटाना है, यानी कि इसके नीचे मैं कपड़ा शो नहीं करूंगी। तो मैंने नीचे से कपड़े को कट करके प्रेस की मदद से दोनों साइडों को इस तरह प्रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर एक और स्टिच करेंगे। तो अब आ जाते हैं इस लेस की तरफ। ये है हमारे पास सेंटर लेस और इसको हमने बनाना है सिंगल लेस। तो हमने इसका एक साइड कट करना है, एक साइड का जो दबाव है इसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारी बन जाएगी सिंगल लेस जो हमारी किनारों पर लगती है, गलों पर, स्लीव्स पर, दामन पर, पैनल्स पर। वैसे तो ये सेंटर लेस थी, दोनों साइड पे सिलाई लगती है, इसका दबाव दबता तो ये सेंटर लेस बन जाती। मगर अगर आपके पास सेंटर लेस है और आप उस चाहते हैं कि इसको सिंगल लेस बना दें तो इस तरह एक साइड का इसका दबाव हटा दें तो ये आपकी सिंगल लेस हो जाएगी। अब इसको भी लगाएंगे। अब इसको हम पलटेंगे और उसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई लगाएंगे जो हमने लेस को फिक्स करने के लिए लगाई थी। तो ये लेस हमारी बाहर की साइड निकल जाएगी और ये जो पट्टी है इसी पट्टी को हम बना देंगे पलटा, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाई थी, हमने कपड़े में से ही पलटा निकाला है। तो लेस हमारी फिक्स भी हो गई है, लेस का एक्स्ट्रा पार्ट भी छुप गया है और हमारा पलटा भी इसी में से निकल गया है। अब इस पट्टी को अंदर की साइड पर इस तरह पलटेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। अब चौड़ी वाली लेस को मैं आपको सेंटर लेस बना के दिखाऊंगी। कभी ऐसा होता है कि चौड़ा डिजाइन बनाना होता है हमें, तो उसमें हमें बारीक सेंटर लेस नहीं चाहिए होती है, चौड़ी वाली सेंटर लेस चाहिए होती है। ज्यादातर चौड़ी सेंटर लेस नहीं होती, ज्यादा में ज्यादा एक इंच होती है या आधा इंच होती है, मगर ये डेढ़ इंच चौड़ी लेस है हमारे पास। ये सिंगल लेस है मगर इसे हम बनाएंगे सेंटर लेस। अब ये हमारे पास कटवर वाली लेस। कटवर वाली लेस ज्यादातर हमारे पैनल्स में यूज होती है, हमारे फिनिशिंग लुक देने के लिए यूज होती है। इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट छुपा देते हैं और एक साइड हम इसको शो करते हैं। चाहें तो आप कलियों के ऊपर इस तरह भी लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर इसकी दोनों साइड पे कटवर शो हो, मगर मैं सिर्फ एक साइड पे कटवर शो करूंगी और एक साइड को इसको छुपा दूंगी।
अब ये है मेरे पास पाइपिंग वाली लेस, जिसके आगे पाइपिंग हुई भी है और ऊपर वाली साइड पे लेस है। इस तरह लगाएंगे कि हमारी पाइपिंग भी शो हो और हमारी लेस भी लग जाए। तो अपनी शर्ट को या स्लीव्स को उल्टा करेंगे, उल्टी वाली साइड पे अपनी लेस को रखेंगे। और पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में स्टिच करेंगे। अब लेस को ऊपर की साइड पर पलट देंगे। अब ये है हमारे पास सेंटर लेस और इसे हमने लगाना है पैनल पे। तो किस तरह लगाएंगे, हमने अपना पैनल कट भी नहीं करना और इस लेस को भी उसके बीच में फिक्स करना है। तो जिस तरह हमारा ये शर्ट का पैनल है, अब उसके बीच में हमने इस लेस को रखना है। लेस हमारी उल्टी होगी, यानी कि जो सीधा वाला साइड है वो नीचे होगा, जो उल्टा वाला साइड है वो ऊपर की साइड पर होगा। अपनी लेस को इस तरह पलटेंगे। तो हमारी लेस दोनों साइडों से फिक्स हो गई है, कवर हो गई है। ये लग गई है सेंटर लेस, पैनल वाली लेस। इसके नीचे हमने कोई कपड़ा नहीं लगाया और हमने अपने फैब्रिक को कट भी नहीं करा। आप चाहें तो इसके ऊपर स्टिच भी कर सकते हैं मजीद फिनिशिंग के लिए, मजबूत करने के लिए। चाहें तो आप इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं। अब मैं आपके साथ डबल लेस लगाना शेयर करूंगी, मगर उसमें हम पलटा नहीं लगाएंगे। एक ही सिलाई में हम डबल लेस शो करेंगे, बगैर पलटे के, बगैर किसी एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी के। तो जो हमारी बारीक वाली लेस है, इसे हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। अब हमने बारीक वाली लेस को चौड़ी वाली लेस के ऊपर रखना है। अब जितना आपने शो करना है उस पे इसे सेट करके स्टिच करना है। ये है मेरे पास लेस और इसके आगे मैंने की है बॉर्डर पट्टी, जिसे मैंने बूट पाइपिंग बना दिया है। लेस का एक्स्ट्रा पार्ट मैंने छुपा दिया है। ये तरीका है बूट पाइपिंग विद लेस लगाने का। कोई भी बॉर्डर आप इसके आगे लगा दें, लेस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको छुपा दें। अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी नहीं है तो आप सिंपल कपड़े के ऊपर धागों से सिलाइयां लगा लें, तो वो आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब इसे भी हम लगाएंगे इस तरीके से कि हमारा जो ये बूट पाइपिंग है ये भी शो हो और हमारी लेस भी लग जाए। Thank you.
ये थे वो 11 तरीके जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ तरीकों से लेस लगाने का आइडिया दिया है। अच्छा, ये जितनी भी तरीके हैं ना, ये सारे वो तरीके हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़े बड़े बुटीक्स, बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां पर शॉर्ट टाइम में मुकम्मल काम किया जाता है, तो ज्यादा पट्टियां कट करके नहीं लगाई जाती। ये है वो लेस जो मैंने आपको बगैर पलटे के लगाना बताई है, और ये है वो लेस जो ऊपर से लेस थी बट मैंने इसे पाइपिंग बना दिया, इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट मैंने छुपा दिया, मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो ये है वो पाइपिंग, आप चाकों पे लगाएं, आप स्लीव्स पर लगाएं, आप गले पर लगाएं, लगा सकते हैं। गले पर लगाने का तरीका जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखा दूंगी। ये है वो सेंटर लेस, जिसको किनारी वाली लेस को मैंने सेंटर लेस बना दिया, इसका जो नीचे से कपड़ा है वो कट नहीं किया। ये है पैनल्स में लगाने का तरीका, आप चाहे तो स्लीव्स में लगाएं, आप चाहे तो शलवार में, इसका बहुत खूबसूरत डिजाइन लगता है। शलवार के पांचे के ऊपर ये लेस इस तरह फिक्स होती है, ऊपर तीन तीन चार चार प्लेट्स डलती हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक्स आ जाती है। कहेंगे तो सिखा दूंगी मैं, आपको तरीका बता दिया है, आइडिया भी दे दिया है, आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये है वो लेस सेंटर लेस जिसको मैंने बीच से कट किया है। थी ये लेस ऊपर वाली यानी कि फिक्स करने वाली लेस थी, बट मैंने इसे बीच से कट करके सेंटर लेस बना दिया, ये भी आपके साथ शेयर किया है। अब आ जाते हैं किनारे वाली लेस की तरफ, ये थी सेंटर लेस बट इसे मैंने किनारे वाली लेस बना दिया। किस तरह बनाया है, एक पार्ट इसका कट कर दिया है, वो भी आपको बताया है। अगेन सेंटर लेस, इस सेंटर लेस को मैंने क्या किया है, ये थी किनारे वाली लेस बट चौड़ी वाली लेस थी। कभी ऐसा दिल चाहता है कि चौड़ी वाली लेस को हम सेंटर लेस बनाएं, तो किस तरह बनाएंगे ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेस फिक्स हो गई है, खराब नहीं होगी और बहुत खूबसूरत लगती है ये दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, ये पैनल्स में नहीं लगती, क्योंकि ये इस तरह जब आती है तो डिजाइन हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ये दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, स्पेशल शलवार का जो पांचा होता है उसके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। अब आ जाते हैं इस कटवर वाली लेस की तरफ, इसे किंगरी वाली लेस भी कहते हैं। ये हमारे पैनल्स में लगती है, यानी कि जो हम कलियों वाली फ्रॉक बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं, या हम जो पैनल्स देते हैं अपनी शर्ट के ऊपर, ये उसमें लगती है। ये गलों पर भी लगती है, बहुत ही सोबर और डिसेंट लुक देती है। तरीका मैंने आपको बता दिया है और दिखा भी दिए कि किस तरह लग रही है। अब आ जाते हैं अपनी पाइपिंग वाली लेस की तरफ, ये है पाइपिंग वाली लेस। इसके आगे पाइपिंग हुई भी थी, बूट पाइपिंग, तो मैंने इसकी पाइपिंग भी शो की है और मैंने इसके ऊपर लेस भी शो की है। नीचे से बेहद सफाई है और वो तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, सिंपल तरीके, कोई भी इन तरीकों को कॉपी करके बना लेगा। तो ये हो गई। अगेन आ जाते हैं सेंटर लेस की तरफ, सेंटर लेस का ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा फैशन में है, बट जब हम पैनल्स में लगाते हैं तो मेन रीजन ये आता है कि हम अपने पैनल्स को कट करेंगे, कट करने से कपड़ा खराब हो जाता है। जो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें आपका पैनल कट नहीं होगा, आपका बाजू कट नहीं होगा, बट आपकी लेस भी फिक्स हो जाएगी, ऊपर कहीं सिलाई नहीं है और नीचे से कपड़ा कट नहीं हुआ, वह तरीका आपको मैंने बताया है। अब आ जाते हैं इस डबल लेस की तरफ, डबल लेस मैंने लगाई है बट नीचे से कहीं लेस दिखाई नहीं दे रही। नीचे से इसी के कपड़े के अंदर मैंने पलटा भी निकाला है और ऊपर मैंने डबल लेस भी शो कर दी है। इसी तरह तीन लेसें भी लगती हैं, आप चाहें तो इसको इसके ऊपर प्लीट्स दे दें तो आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लीव डिजाइन, बॉटम डिजाइन और दामन का डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं बहुत ही खूबसूरत सी लेस की तरफ, ये लेस तो थी हमारी किनारी वाली लेस और चौड़ी वाली लेस, बट मैंने इसका एक पार्ट छुपा दिया, एक पार्ट मैंने बॉर्डर पट्टी से छुपा दिया, मैंने इसे कर दी बूट पाइपिंग। इसका मैंने गला बनाना भी सिखाया है, जो लोग नए हैं या जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं आपने देखा होगा मैंने चाइनीज कॉलर गला बनाना सिखाया है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एक बार उसकी वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो ये था स्लीव्स पर दामन पर लगाने का डिजाइन, मैंने आपके साथ 11 तरीकों के डिजाइन शेयर किए हैं अपनी उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए जो लेस लगाने में उलझ जाती हैं, डर लगता है, दिल तो चाहता है बट डर जाती है कि हमसे लेस खराब हो जाएगी, लेस का कोने करेंगे, किस तरह बनाते हैं, कपड़ा खराब हो जाएगा, कोने बनते हैं। आपने डरना नहीं है, मेरे तरीकों को फॉलो करना है और अपने सूटों के अंदर चार चांद लगाने हैं जैसे मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह आप भी बना जाएंगे। अगर आप लोग कोने चौक से कोने बनते हैं, अगर आप लोग कोने सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल वीडियो के थ्रू सिखा दूंगी। उनके अलग मेथड्स हैं, यानी कि वो अलग सीक्रेट से कोना किस तरह बनता है, लेस कट नहीं होगी, स्पेशल उसमें लेस कट नहीं होगी बट कोना हमारा बन जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सीखा हो बहुत कुछ वो भी बताइएगा, कौन सा तरीका अच्छा लगा है वो भी बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज के साथ, एक नए तरीके से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।